अब बात कांग्रेस की करें तो 8 सीट पर कांग्रेस सिर्फ खरगोन सीट के ऊपर ही मुकाबले में, क्योंकि इंदौर के पास का मामला है तो कहीं ना कहीं इंदौर की राजनीति प्रभावित करती है। विरोध भी था गजेंद्र पटेल का, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे थे, कुछ कार्यकर्ता का कहे नेता भी विरोध कर रहे थे, तो जो युवा मतदाता पूरा नरेंद्र मोदी के नाम से वोट किया। लोकसभा चुनाव के समर में आज हम बात करेंगे खरगोन लोकसभा सीट की। खरगोन लोकसभा सीट पर क्या किस तरह का चुनाव इस बार रहा है और उस पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, इस बार खरगोन सीट जो है अपना कैसा नेचर लेकर के आई, वोटर के मन में क्या था, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर तमाम पत्रकार मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप ही से बात शुरू करूंगा सर, क्या कहेंगे इस बार खरगोन का मिजाज कैसा रहा और वोटिंग परसेंटेज जो है वो इस बार कितना रहा? खरगोन का पूरे अगर मालवा निमाड़ की 8 सीटों की बात करें तो खरगोन में ज्यादा कोई अंतर वोटिंग में भी नहीं आया है और ना चुनावी उत्साह में कोई कमी देखी गई है। चुनाव बहुत टफ था और दोनों तरफ पे मुकाबला एक संघर्ष वाली स्थिति रही है। बात हम 2019 के मुकाबले की करें तो मात्र 2% वोट कम हुआ है, बल्कि 8 सीट पे अगर देखें तो 4-5% का अंतर आया है, पर खरगोन में मात्र 2% का अंतर है। और 2% का अंतर भी वो शायद हो सकता है कि गर्मी की वजह से कुछ कम हुआ है और कुछ उससे हुआ। एक वोटर बड़ा भी है, बढ़ने के बाद के सीन को अगर देखें तो थोड़ा सा एक अलग ट्रेंड आएगा। अब बात कांग्रेस की करें तो 8 सीट पर कांग्रेस सिर्फ खरगोन सीट के ऊपर ही मुकाबले में दिखती है। अच्छा संघर्ष, मतलब धार और खरगोन दो ऐसी है, ट्राइबल सीट ज़्यादा है, ट्राइबल बोर्ड ज़्यादा है खरगोन में और धार में, तो जैसा पोजीशन धार में है वैसी ही खरगोन के अंदर है। खरगोन के अंदर अच्छा ये है कि एक नया ताज़ा तरीन चेहरा जो है वो नौकर शाह रहे हैं, जो स्टेट GST के ऑफिसर रहे हैं भोरलाल खरते, वो मैदान में थे। भोरलाल खरते मूल रूप से उन्होंने कभी विधानसभा की तैयारियां की थी, सेनवा सीट से उन्होंने टिकट मांगा था, उसके बाद पार्टी ने उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। समय के पहले उम्मीदवार घोषित हो गए थे तो उन्हें तैयारी का बहुत अच्छा वक्त मिला। सामने गजेंद्र पटेल हैं, गजेंद्र पटेल भी एक सहज सरल सुलझे हुए नेता माने जाते हैं निमाड़ अंचल के, आदिवासी क्षेत्र के अंदर उनका अच्छा प्रभाव है और पिछला वोटिंग काफ़ी लंबे अंतर से उन्होंने पिछला चुनाव जीता था, और भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है ही, वो अपना काम करता है, तो मुकाबला बड़ा रोचक है और संघर्ष वाला है। और वोटिंग परसेंटेज को देखें तो लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। खैर बहरहाल, तो ये तमाम चीजें हैं जो प्राथमिक चीजें हमने आपको बताई। अब हम जानते हैं उस खरगोन का मिजाज, उसका मिजाज कैसा रहा है, जो आप उसको समझते आए देखते आए, सियासी लिहाज के अगर हम बात करें तो कैसा है? खरगोन जो है निमाड़ क्षेत्र में आता है और पूरे देश में निमाड़ मिर्ची और गर्मी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। आज जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे कि बहुत करीबी मुकाबला वहाँ देखने को मिल सकता है। जब विधानसभा की बात हो रही थी, विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए थे तो उससे ही प्रतीत हो रहा था कि जब लोकसभा चुनाव आ गए तो कहीं ना कहीं नज़दीक मुकाबला रहेगा। और अभी भी जब हम सामान्य लोग बात करते हैं कि मध्यप्रदेश से कितनी सीट कांग्रेस को आ सकती है, तो सबसे पहले 2 या 3 सीट का नाम आता है, उसमें खरगोन जाता होता है। खरगोन में जैसे कि हम जानते हैं कि कांग्रेस का एक अच्छा दबदबा है, वहाँ पर प्रचलित कांग्रेसी लोग रहे हैं, आदिवासी इलाका है, और कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ क्षेत्र में एक संवेदनशील जो अब पिछले 10 साल में हो चुका है खरगोन, वहाँ की जो राजनीति है अब संवेदनशील हो चुकी है, आदिवासी मामले में भी, सांप्रदायिक मामले में भी, और जब चूंकि इंदौर के पास का मामला है तो कहीं ना कहीं इंदौर की राजनीति प्रभावित करती है। तो अब ये देखने में आ रहा है कि करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है और शायद मेरा अनुमान है ये सीट कांग्रेस को मिल जाए। खैर, तो बहरहाल धार्मिक मुद्दा प्रदीप जी कहीं आप देखते हैं कि धार्मिक मुद्दा यानी मुस्लिम तुष्टिकरण या मुस्लिम ध्रुवीकरण या धार्मिक ध्रुवीकरण, ये तमाम शब्द हैं, क्या कहेंगे इन सबको लेकर खरगोन की अगर बात करते हैं? खरगोन दरअसल इसको अकेले सिर्फ खरगोन से बात नहीं कर सकते हम इसको पूरा मालवा निमाड़ या पूरे मध्य प्रदेश के स्तर पर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी पर बात करें तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि बात विकास के मुद्दे से शुरू होती है और मंदिर पर, राष्ट्र पर, राष्ट्रवादिता पर और आगे भविष्य की योजनाओं पर और धार्मिक अलगाव ठहर जाती है, तो वो वहाँ तक आ जाती है। तो ये एक ट्रेंड सेट जो करते हैं, जो मुद्दे त्वरित बदलते हैं, तो ये जनता में क्या मैसेज जा रहा है, कितनी चीज़ें कैप्चर कर पा रही है जनता और कितनी चीज़ों को छोड़ रही है, ये एक लगातार
भारतीय जनता पार्टी में विशेषता है कि वो उनकी एक टीम ये ऑब्जर्वेशन करती रहती है। ये यहाँ पर कहीं प्लानिंग के मामले में कांग्रेस पिछड़ जाती है, वो एक मुद्दे पे स्टैंड रहती है और वो मुद्दा जो है वो जनता में इतना असर करता ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं उसका असर आता है। स्थानीय जो उम्मीदवार थे इस बार, दोनों के नाम आपने बताए, पाटिल साहब और खड़े साहब, इनका स्थानीय क्या कहीं कोई विरोध रहा है पुराना या अभी रहा है या कुछ ऐसा कोई ऐसा चीज जिससे कि लोगों को लग रहा हो कि नहीं इसको वोट देना चाहिए इसको वोट नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए पूरलाल खड़े जी की बात करें तो पूरलाल खड़े जी तो इससे पहले सरकारी नौकरी में थे, सरकारी नौकरी के साथ फिर वो जैश के साथ उनकी एक विचारधारा मिल गई, जैश के जरिए उन्होंने समाज सेवा की तरफ कदम बढ़ाए, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में इनकी तैयारियां वगैरह करवाना, उनका एक जैस का एक संगठन जो है, एक शाखा जो है वो इस दिशा में भी काम करती है, तो उससे वो पुरलाल खड़े जुड़े रहे। फिर सामाजिक ताना बाना उनका मजबूत हुआ तो वो पहली बार सक्रिय राजनीति में एक टिकट लेकर वो प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। रही बात गजेन पटेल की, तो गजेन पटेल के सामने एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है कि पुराने वो रहे हैं, पर निमाण क्षेत्र में उन लोकसभा के लिए टिकट की कोई ऐसी मारामारी नहीं थी कि कोई उनके इनका टिकट काट के और दूसरे को टिकट दिया जाए, या जैसे आपने चुनाव कवर किए होंगे तो उस समय जब टिकट चयन का मामला हो रहा था तब इंदौर उज्जैन ये होल्ड पे रख दिया था, पर निमाड़ घोषित हो गया था। हाँ जी, तो जहाँ पर कोई विरोध ही नहीं था, बदल था तो निमाड़ भी बदल सकते थे, मतलब नीट एंड क्लीन मामला, नीट एंड क्लीन मतलब वहाँ की निमाड़ की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उसमें कोई विरोधाभास नहीं, विरोधाभास नहीं है। दूसरा एक मेरा ये मतलब ये जब सीट रिजर्व हुई, रिजर्व होने के बाद यहाँ पर चेहरे बदले, दरअसल ये सुभाष यादव जो भारतीय जनता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, सहकारिता के बड़े नाम रहे हैं, ये उनका गृह क्षेत्र है, तो जब तक ये सीट सामान्य थी तब तक सुभाष यादव थे, सामान्य रिजर्व होने से एक चुनाव पहले अरुण यादव यहाँ से सांसद बने थे सुभाष यादव के निधन के बाद, फिर अरुण यादव ने बागडोर संभाली, फिर उनके अब कहीं ना कहीं चुनाव को दूसरे लड़ते हैं पर प्रभाव यादव का है, यादव परिवार का प्रभाव है इसमें। मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा, मैं बात करूंगा विधानसभा समीकरण के हिसाब से, खरगोन के जो विधानसभा समीकरण है वो क्या है। अविचल जी, जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या स्थिति है बीजेपी और कांग्रेस की, और क्या लग रहा है आपको कि कितना असर आसपास की सीटों का इस पूरी लोकसभा पर होने वाला है? निश्चित तौर पर खरगोन की लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें राहुल और मोदी वो दोनों का ही एक टक्कर थी, दोनों का लिटमस टेस्ट 13 तारीख को हुआ है, 6 तारीख को राहुल गांधी की सभा थी और 7 तारीख को मोदी जी भी वहां पर आए थे। अगर हम विधानसभा की बात करें तो बड़वानी जिले की 3 विधानसभाएं हैं और खरगोन जिले की भी 4 विधानसभा, 5 विधानसभाएं उसमें, ये सब मिला लें तो सेंधवा अकेला एक सामान्य क्षेत्र है, बाकी सारे जो वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है उसमें आदिवासी बाहुल्यता ज्यादा, निमाड़ का कल्चर एक है, निमाड़ी जो लोग होते हैं वो प्रत्याशी को कम देखते हैं, चुनाव चिन्ह को ज्यादा देखते हैं, पर फिर भी दो बार से खरगोन में मतलब पटेल परिवार को या कहें भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, जैसा कि दादा ने बताया भी है। इस बार कांग्रेस खरगोन जैसे क्षेत्र में पूरे मन से चुनाव लड़ रही थी, पोर्ते जी जो है वो लगातार सक्रियता के साथ सारे विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे थे, चूंकि हम सेंधवा की बात करें तो सेंधवा में ही अकेले 65% मतदान हुआ और बाकी सारी विधानसभाओं में 70% के ऊपर ही मतदान हुआ है, तो लोग गर्मी में भी निकले हैं, मत डाला है उन्होंने, अब ये नए मतदाता अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मोदी वेव काम करेगी नए मतदाताओं के लिए। उसका पीछे कारण ये होता है क्योंकि 20 साल पहले जो मतदाता तैयार हो रहा था जब पैदा हुआ था तब से लेके आज तक कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं होने से उसने तो वो कांग्रेस वाला दौर देखा नहीं है, और आजकल नया मतदाता आप चाहे इंदौर में देख लें या कहीं भी देख लें मोदी मोदी का जो जाप है वो लगातार करते जा रहा है, टीवी पर देखें या कहीं पर भी देखें तो वो मोदी से कनेक्टेड है, और यहाँ पे कांग्रेस सिर्फ एक जगह पे फेल होती है, उनका प्रचार प्रसार जो तंत्र है वो कमजोर होता है, और यही नुकसान उनको निमाड़ क्षेत्र में भी मिलेगा, यही नुकसान उनको मालवा में भी मिल रहा है कांग्रेस को, और बाकी अन्य जगहों पर देखेंगे तो ये प्लस उनको भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राह थोड़ी आसान हो जाएगी। शेष जो मुद्दों की बात है वो तो लगातार जारी है ही, विरोध भी था गजेन पटेल का, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे थे, कुछ कार्यकर्ता का कहने भी विरोध कर रहे थे, पोलते बिल्कुल साफ स्वच्छ सभी का कांग्रेस ने उतार के दे दिया, उसका
कोई विरोध इसलिए नहीं था क्योंकि पहली बार वो चुनावी मैदान में थे। ठीक है, तो मैं आपके पास लौट के दोबारा आऊंगा। एक हमारा आखिरी राउंड अभी चल रहा है, क्या कहेंगे युवा मतदाता जो है पाटिल जी इस बार किसके पक्ष में रहा है? देखिए युवा मतदाता जो है ना स्वाभाविक है मोदी के नाम से पूरा वोट कर रहा है, देश की कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो तो जो युवा मतदाता पूरा नरेंद्र मोदी के नाम से वोट किया है। रही बात खरगोन की, तो खरगोन में जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता घर बैठे हुए थे, प्रचार करने नहीं निकले, इसलिए कांग्रेस वहाँ पर कमजोर स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ है वहाँ पर उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है और मोदी के नाम पर अच्छी वोटिंग हुई है, जो वोट का परसेंटेज जो आया है 70 से ऊपर गया 72 के आसपास, तो इसका वजह है कि मोदी के नाम पर अच्छी वोटिंग हुई युवा ने। मोदी नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन जो समीकरण जैसे हमने चर्चा करी है तो हम कह सकते हैं कि मुकाबला बराबरी का है, जिसको जनता ज़्यादा पसंद करेगी उसको मिलेगा, लेकिन मुकाबला रोचक है और 4 जून को ही अंतिम हम अपेक्षा कर सकते हैं। हाँ, मतलब दोनों ही बिल्कुल इस बार टक्कर है आपका, ये मतलब मुश्किल है बीजेपी निकाल ले या मुश्किल है कांग्रेस निकाल ले। प्रदीप जी आप क्या कहेंगे? नहीं, वोटिंग के अंतर पे हम बात कर सकते हैं, परिणाम जो है, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2% वोटिंग कम हुआ है और नए मतदाता बढ़े। दूसरा, वोटिंग पिछले चुनाव का अंतर अच्छा था, 2 लाख से ऊपर है, इसको पाटना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस अंतर को कांग्रेस कम कर देती है तो भी उसकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। क्या तो मतलब ये एक समीकरण कहीं ना कहीं बैठते मुझे नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन यहाँ खरगोन की सीट निकालने वाला है? मुकाबला अच्छा हुआ है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा लगभग भारी है, बीजेपी भारी है। आप क्या कहेंगे अभिषेक जी? 50-50 की स्थिति बनी हुई है क्योंकि पोरलाल खड़ते बारेला संप्रदाय से आते हैं और बारेला बाहुल्य क्षेत्र है खरगोन। दूसरा, मोदी का दौरा, जब विधानसभा चुनाव में मोदी आए थे बड़वानी और बड़वानी के आसपास की 3 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हारी थी मोदी के आने के बाद भी, जबकि राहुल गांधी राजपुर आए थे और पूरा जिले की सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। इस बार चुनाव अगर हम मोदी वेव की भी बात कर लें तो भी मोदी वेव असरकारी हो सकती है, तब हो सकती है जब परिणाम में परिवर्तित हो, क्योंकि पिछली बार परिणाम में परिवर्तित नहीं हुई, इसलिए मुकाबला 50-50 का है। संभावना ये भी है कि कांग्रेस वहां पर जीत जाए। खैर, बहरहाल आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप जी का, पंडित जी का, आप सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं। और दोस्तों, एक बात यहां पर जरूर निकल के आ रही है, खरगोन सीट की हमने अब तक बात की है, जहां तक तमाम जो पत्रकार हैं ये उसी माटी से निकले हुए हैं, निमाड़ की माटी से हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि खरगोन की जो टक्कर है इस बार काफी टफ होने वाली है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अपने आप ये देखने वाली बात है कि अब किस उम्मीदवार के पक्ष में वोट जाता है। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव, इंदौर।